खोजा समाज द्वारा करबला ना शहीद इमाम हुसैन सहित 72 शहीदों की शहादत में मोहर्रम पर्व की उजवणी अंतर्गत जुलूस मिजलिस अने मातम योजवामां आव्युं हतुं। खोजा समाज द्वारा मोहर्रम पर्व अंतर्गत 10 दिवस सुधी मिजलिस जुलूस अने मातमनुं आयोजन करवामां आवे छे, जेना अंतिम दिवसे ताजिया जुलूस साथे करबलाना शहीद इमाम हुसैन अने तेना 72 साथीदारोनी शहादतनी यादमां मातम मनावामां आव्युं हतुं। मातम ये सब करते हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यजीद जो उस वक्त का जालिम जाबिर फासिक जो इंसानियत पर और सारे लोगों पर जुल्म और ज़्यादती कर रहा था, लोगों के माल लूट रहा था, लोगों की इज्जतें ख़त्म कर रहा था
और इंसानियत को उससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था। उसके खिलाफ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क़याम किया, उसके खिलाफ खड़े हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, और करबला के मैदान में यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने जुल्म ज़्यादती का निशाना बनाया और उनके घर वालों को क़ैद करके शाम बुलवा लिया। उसी की याद में यानी करबला की याद में हम 1400 साल से इसी तरीक़े से मुहर्रम में जुलूस, ताज़ियादारी, अलम निकालना, मातम मजलिस करते हैं ताकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद हमेशा हमारे दिलों में ताज़ा रहे, हमारे जहनों में मौजूद रहे। वो ये याद हमें बताती है और सिखाती है कि कभी भी किसी भी जालिम के मुकाबले पर अपने सर को नहीं झुकाना चाहिए, बल्कि अपना हक़ लेने के लिए और लोगों के हक़ के लिए जालिम के मुकाबले पर खड़ा होना चाहिए, उसके मुकाबले पर आना चाहिए, उसके मुकाबले पर निकलना चाहिए। हो सकता है कि उस वक्त हम मार दिए जाएं, उस वक्त हम ख़त्म कर दिए जाएं, उस वक्त हम मिट जाएं, लेकिन हमेशा जिनके लिए हम खड़े हुए हैं, जिन लोगों को बचाने के लिए हम खड़े हुए हैं, उनके जहन में, उनके दिल में हमेशा जब तक वो ज़िंदा रहेंगे और जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक ये कायनात रहेगी, हमारी यादें उन दिलों में, उनके जहनों में, उनके ख्यालों में हमेशा मौजूद रहेंगी। तो ये पैगाम मुहर्रम है और मुहर्रम का ये मैसेज है कि इंसानियत के साथ हमेशा अच्छा बर्ताव करना चाहिए, न किसी का मजहब देखना चाहिए, न किसी का फ़िरका देखना चाहिए, न किसी का धर्म देखना चाहिए। अगर इमाम हुसैन के हम चाहने वाले हैं तो कोई किसी भी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, किसी भी फ़िरके का हो, अगर वो इंसान है तो उससे हमें मोहब्बत करना चाहिए, उससे हमें प्यार करना चाहिए, और कोई किसी भी धर्म का हो अगर उसके ख़िलाफ़ कोई जुल्म कर रहा है, उसके खिलाफ ज़्यादती हो रही है, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल करते हुए उसके लिए हमें आवाज़ बुलंद करना चाहिए। यही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम है और यही मुहर्रम का पैगाम है, यही जुलूस का फ़ायदा है जिसके ज़रिए से हम करबला की याद को अभी तक